देखती हैं भारतीय जनता सर, मेरी ड्यूटी राशन की शॉप पर इस पैकेट्स को वितरण करने की लगी हुई थी। मैं यहाँ पर टाइम से आई तो मुझे इन्होंने बताया जो राशन डीलर हैं कि मेरी शॉप पर जगह नहीं है तो पैकेट्स यहाँ है, तो सर मैं यहाँ आ गई। लेकिन मुझे इस चीज़ का नहीं पता कि ये विरोध क्यों कर रहे हैं। कौन सी दुकान है, क्या आपकी ड्यूटियाँ लगनी चाहिए? सर मेरी ड्यूटी राशन की शॉप पर थी, जैसा कि राशन डीलर ने बोला। अब ये पैकेट्स यहाँ पर किसके ऑर्डर से आए हैं मुझे नहीं, इस चीज़ की मुझे कोई जानकारी नहीं। राशन की दुकान जब बंद थी सर, मैं गई, राशन की दुकान खुली हुई थी, लेकिन वो कह रहे हैं कि उनकी शॉप पर जगह नहीं है ये पैकेट्स वितरण करने के। हेमलता वार्ड 43 में नानकी पैलेस के सामने विधायक कोष से राहत सामग्री अनीता पटेल बदेल दी जा रही थी, जिसमें हमने 40 लोगों को, जरूरतमंद लोगों का नाम दिया था, लेकिन आई हो 20 और आई भी भाजपा प्रत्याशी के घर पर। ऐसा क्यों? ये या तो किसी राशन डीलर के पास जानी चाहिए थी वो, कि आप अपने स्तर पे अपने गरीब लोगों को दीजिए, या फिर किसी हमारे पार्षद के पास में आनी चाहिए थी कि हम आप अपने स्तर पे, क्योंकि हमको भी पता है कि कौन गरीब जनता है अपने वार्ड में, कौन नहीं है। आप अपने मन से किसी को दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, किस क्वालिटी दे रहे हैं, ये कुछ भी पता नहीं है। और ये बीजेपी प्रत्याशी के घर पर ही क्यों, वो अपनी दुकान से ही क्यों? या तो फिर ये पार्षद है, या तो फिर हम ये बोले। तो यही हमारा विरोध है कि या तो अपने काम की पूरी जानकारी हमें दे, या फिर हमें अपना सहयोग दे, हमें अपने साथ ले। हमने 40 के नाम दिए थे कि 40 बहुत ज़्यादा, वैसे तो 40 भी नहीं है, इससे भी ज़्यादा है। वहाँ 5,000 लोग का वार्ड है तो सब लोग गरीब है, अभी किसी के पास में रोजी रोटी नहीं है। फिर ऊपर से हमने फिर भी 40 करे, उन्होंने बोला दस मंदा, फिर भी 40 करे और उन्होंने दिए अभी 20 का राशन। फिर वो हमारे हाथ में भी नहीं आता है, किसी राशन के पास में भी नहीं जाता है। वो बीजेपी की जो प्रत्याशी रही हुई है बीनू पंकज पटेल जी, उनके घर पर जा रहा है, वो अपने स्तर पर बंटवा रहे हैं। तो या तो आपने झुंझुना पकड़ा दिया पार्षद होने का नाम हमारे को, तो क्या है, या तो नाम टैग भी आप उन्हीं को दे दीजिए कि यही है। फिर ये बिल्कुल अपने स्तर पे दिया जा रहा है। अब हमको जब पता ही नहीं किसको दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, तो हम क्या बोले फिर? हमारे ना किसी जानकारी में है कि किसको दिया जा रहा है। बीएलओ मैम से बात करी तो उनको ऊपर से ऑर्डर आते हैं कि भाई आपको राशन सामान देना है, उनको भी नहीं पता है कि भाई कि कहां पर सामान है, कितना सामान है। वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उसकी कोई वो नहीं है। लेकिन हमको तो हमारे अपने काम से अवगत कराया जाए, जिससे हम आप लोगों के साथ में मिलकर काम कर सकें, बस इतना पूछना है। देखिए, आज वार्ड नंबर 43 में जो विधायक कोष की तरफ से जो राशन सामग्री दी जा रही थी कोरोना महामारी को लेकर, उसकी तरफ से आज पार्षद काजल यादव वार्ड नंबर 43 के नेतृत्व में यहाँ की सारी जनता और जो ज़रूरतमंद लोग थे, पार्षद की तरफ से विधायक को, पहली बात तो जब पहले जो राशन सामग्री बटी उसमें पूरा जो शिव कॉलोनी का क्षेत्र है, एक भी परिवार का नाम नहीं लिया। मैडम के विरोध करने के बाद, पार्षद मैडम के विरोध करने के बाद, करीब 40 परिवार ऐसे ज़रूरतमंद निकल के आए जिनको राशन सामग्री मिलनी थी, जिनका राशन कार्ड बंद था। उन लोगों की सूची हमसे मांगी गई, हमने वो सूची उपलब्ध करा दी। सूची उपलब्ध कराने के बाद आज 20 लोगों को ही मात्र टिकट दिया गया, कूपन दिया गया 20 लोगों को मात्र, जबकि 40 लोगों को देना था। चलिए 20 लोगों को भी मान लिया। अब उनको ये बोला गया कि 20 लोगों को आपको जाना है परचूनी की दुकान पर, जबकि डीएसओ से ये आदेश है कि राशन सामग्री जो भी विधायक कोष से आ रही है, क्योंकि सरकार की चीज़ है, तो वो राशन की दुकान जो है आसपास की, वहाँ से वितरण होगा। लेकिन पर्सनल किसी जो यहाँ से वार्ड 43 से भाजपा की प्रत्याशी रही, उनकी दुकान है, उनके घर से ये राशन सामग्री बांटी जा रही है, जो कि सीधा सीधा भ्रष्टाचार उत्पन्न करती है। और ये बताती है कि विधायक की जो अपना मामला चल रहा है और अपने लोगों को पुरस्कृत करने का जो ये कार्रवाई चल रही है, साफ साफ आप देख सकते हैं दुकान के अंदर सारे कट्टे पड़े हैं विधायक कोष के, जबकि ये सारे कट्टे जो भी सामग्री बांटी जानी चाहिए वो जो राशन की दुकान से बटनी चाहिए थी। यहाँ बीएलओ मैडम भी खड़ी है, बीएलओ मैडम कह रही है कि हमें इसकी कोई जानकारी नहीं, यहाँ पर कैसे सामग्री आई, ये ऐसे कह रहे हैं, जबकि बीएलओ की ड्यूटी तो राशन की दुकान पर होनी चाहिए। तो ये किस तरह का खेल चल रहा है? पूर्व में भी हमने शिकायत दी, नगर निगम को कहा हमने कि भाई हमारे पार्षद फंड से आप पैसा ले लीजिए और आम जनता को, जिनके राशन बंद हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उनको सुविधा दें, लेकिन नगर निगम से भी हमको कोई सुविधा नहीं मिली। अब विधायक कोष से जो सामग्री आ रही है वो भी सिर्फ अपने अपने लोगों को बांटी जा रही है, जो ज़रूरतमंद है उन तक पहुँच ही नहीं रही है।
मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग चलें शिव कॉलोनी जैसे क्षेत्र में जहाँ पर चद्दरों के मकान में लोग रह रहे हैं। कच्ची बस्ती है, मोडिया भैरू नाम का क्षेत्र है, वहाँ इतने लोग परेशान हैं जिनको राशन सामग्री की ज़रूरत है, लेकिन ये जो राशन सामग्री 20 लोगों के लिए मात्र आई है उसमें भी ये शक्ल देख देख के राशन दे रहे हैं कि नहीं तेरे को देंगे तेरे को नहीं देंगे, ये सीधे सीधे गुंडागर्दी चल रही है। और मैं विधायक मैडम से भी ये निवेदन करना चाहूँगा, मैडम इस तरह के कार्यकर्ताओं को ऐसी जिम्मेदारी न दें जो कि अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक से न कर पाएं।